गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड के विद्यार्थियों लिए सब्जैक्ट चल रहा है स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफेंसी। उसके विच आप स्टूडेंट सैक्शन बी कर रहे थे, जिदे विच आप मैगजीन स्कूल मैगजीन वाला टॉपिक कवर कर चुके हैं। अज आप सैकेंड टॉपिक करना है, दैट इज़ वॉल मैगजीन्स। आई होप तो वीडियोज़ वधिया लग रही होंगी, चंगी तरह समझ आता होगा। जो वीडियोज़ वधिया लग रही हैं प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट बॉक्स के जो भी थोड़े सुजैशन है तुसी लीव कर दिया करो। हाँ, अज अपना जो टॉपिक है वॉल मैगजीन के ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस एंड प्रैपरेशन, कोशिश करांगे अज की वीडियो के विच टॉपिक आप कवर कर दिए। पहला आप जो मैगजीन की गल करते हैं, मैं बहुत बारी अपन जिमें पिछलियाँ वीडियोज़ देखोगे तो मैगजीन बारे मैं खुल के उद्दे तो टॉपिक में एक्सप्लेन किया हो भी मैगजीन की होंगी है। एक साधारण पत्रिका होंगी है जिदे मिश्रित रूप के बहुत सारिया चीज़ों का संकलन होंगे, मतलब वो कोई लेख भी होंगे है, निबंध भी होंगे है, तस्वीर भी होंदियां। ठीक है, ये हफ्ते या महीने या साल पिछों प्रकाशित कीतियां जांदियां, डिपेंड करता है भी मैगजीन नूं किन्ने टाइम बाद जिहड़ा हैगा प्रकाशित करना है। जिवें कहिंदे अंग्रेजी भाषा दे विच प्रकाशित होण वालियां टाइम, न्यूज़ वीक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटागरी ऑफ साधारण मैगजीन्स। इक इहदे विच टॉपिक आंदा रिसाला, जर्नल्स। जर्नल्स की होंदे, इक अजिहे मतलब आपां अध्ययन कह सकते जिहदे विच इक विशेष टॉपिक दे उत्ते गल कीती जांदी है, एक विशेष टॉपिक के लेख शामिल होंगे, उन्होंने आप जर्नल कहते हैं। आम तौर पर NCERT वालों सिक्ख्या संबंधित सिक्ख्या संबंधित प्रकाशित किए, जिमें जर्नल ऑफ एजुकेशन हो गया, इंडियन जन एजुकेशनल रिव्यूज़ हो गए, स्कूल साइंस हो गया, ये तो रिलेटिड टॉपिक नाल पूरी जानकारी है जी प्रोवाइड की जाती है। तो जे आप रसाले या पत्रिका के अंतर देखिए, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड मैगजीन, कुछ तो देखो आपको साफ ही पता लग रहा है। सब तो पहला लिखन वाल देखो, जिहड़े होंदे आ लिखण वाला, जिहड़े स्कॉलरली जर्नल होंदे, विद्वानी रिसाले होंदे, विद्यार्थी ते अध्यापक, मैगजीन सधारण लोगों द्वारा लिखिया जांदियां, ते जिहड़े ट्रेड जर्नल होंदे आ उह विशेष उद्योगां विच जिहड़े काम करदे उन्हां द्वारा लिखिया। जिहड़े तां आम रिसाले होंदे थोड़े रंगां वाले ते गंभीर ते सादे होंदे आ, पत्रिकावां हमेशा चमक दमक वालियां होंदियां, ते जिहड़े ट्रेड जर्नल होंदे आ डिपेंड करदे उन्हां ते चमक, जिहड़े रंग है या जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो उस पर्टिकुलर ट्रेड के नाल जो संबंध रखता उस पर डिपेंड करता है। लिखण वाले ये विद्वान लोग हो सकते, पेशावरी लेखक हो सकते, ये दोनों तरह के हो सकते। इस तरह मतलब ये पढ़ लियो ये कुछ खास नहीं है। जिहड़ा अपना मेन टॉपिक है जिहड़ा आप कवर करना वो है वॉल मैगजीन्स, जिन्होंने आप कहने कंध पत्रिकावां के नाम नाल जानते हैं। कहते स्कूलों ते कॉलेजों विच कंध पत्रिकावां ते कॉलेज स्कूल पत्रिकावां संबंधित संस्थावां दीआं गतिविधियां बारे जानकारी प्रदान लई वरते हैं, मतलब किसी स्कूल या कॉलेज बारे जो कोई पर्टिकुलर इनफॉर्मेशन किसी दूसरे बंदे नूं प्रोवाइड करनी है तो उहदे लई वॉल मैगजीन का प्रयोग किया जाता है। इन दोवां विचों कंध पत्रिका का संबंध सिर्फ विद्यार्थियों दीआं गतिविधियां नाल है, जदों कि स्कूल कॉलेज पत्रिकावां स्कूल नाल संबंधित सारे लोगों विच हिस्सेदार। तां गल समझ आई, जिहड़ी तां स्कूल मैगजीन हुंदी है उहदे विच स्कूल दे अध्यापक विद्यार्थी सारे पार्टीसपेट करते हैं, लेकिन जिहड़ियां वॉल मैगजीन होंदियां दे आर ओनली रिलेटड विद द स्टूडेंट, वो सिर्फ विद्यार्थियों के नाल ही रिलेटड होंदी है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वॉल मैगजीन का जे आप देखिए, तो कंध पत्रिका अजिहे पोस्टर कहा जाता है जो एक पत्रिका वांग जानकारी लिखित तस्वीर या दृष्टांतों द्वारा प्रदान करता है। मतलब एक पोस्टर जिवें आप पोस्टर देखते हैं, पोस्टर के विच की होंदा पिक्चर्स भी होंगे है, किसी टॉपिक नूं पूरा एक्सप्लेन भी किया होंदा, तो वॉल मैगजीन इज़ जस्ट लाइक द पोस्टर, जिन्हों को वॉल के उत्ते पेस्ट कर देना उस पोस्टर नूं, तो कोई भी बंदा उसनों पढ़ के उस पर्टिकुलर चीज़ बारे जानकारी जी है ले सकता है। आम तौर पर इन्हों श्रेणी के जड़िया कंधा उन्होंने लटकाई जा सकते हैं। उंज आम तौर पर स्कूलों में इसलिए एक निश्चित थान या प्रदर्शनी बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, जिवें आप स्कूल के देखते हैं ना एक डिस्प्ले बोर्ड लगे होंगे उत्थे विद्यार्थियों के पोस्टर बना के चिपका देंगे, किसी ने भी उस संबंधी जो भी जानकारी वो पोस्टर के उत्ते लै सकते हैं। इन्हों कंध पत्रिकावां के नाम नाल जानिया जाता है। स्कूल के नोटिस बोर्ड के उत्ते जो वक् विद्यार्थियों द्वारा लेख है, कोई चलंत घटनावां है, कोई कहानी है जो प्रकाशित की जाती है वो अपने की है वॉल मैगजीन्स है। अ थीम बेस्ड एक्टिविटी, कहिंदे जिहड़ी अपनी कंध पत्रिका है विशा आधारित क्रिया होंगी, तो किसी टॉपिक के उत्ते रिलेटड होंगे, तुसीं कोई भी जदों बनाने हो पोस्टर बनाने वो डिपेंड करता है किसी भी एक टॉपिक के उत्ते, एक विशेष क्रिया के उत्ते डिपेंड करता, उन्हें देख के ही तुसीं इसनूं बनाने हो। कहते विषय जिहड़े हेठ लिखे अनुसार हो सकते हैं, जिवें कि मेरा भारत,
स्वच्छ भारत के तौर पर जिम्मे माई इंडिया क्लीन इंडिया ये टॉपिक हो सकता है, या फिर इंडिपेंडेंस डे, या फिर टाउन हिस्ट्री जलंधर, या फिर वर्किंग मदर, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक नू लैके आप इस बना सकते। कंध पत्रिकावां दे उद्देश की होंगे है, ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉल मैगजीन्स। कंध पत्रिकावां दे उद्देश हेठ लिखे अनुसार है, जिवें सब तो पहला कंध पत्रिकावां दा मुख्य उद्देश विद्यार्थियों विच लिखन प्रवृत्ति का आरंभ करना। ठीक है, विद्यार्थी की है जो पोस्टर बनाते हैं या कंध पत्रिकावां लिखते हैं, उन्होंने एक लिखन की कला का विकास होंगे, उन्हां दी अंदरूनी भावनावां जिहड़ियां उह बाहर आउंदियां उन्हां बारे आपां नूं पता लगता है। विद्यार्थियों के जिहड़े ड्राइंग कौशल है, जिहड़े स्किल्स है ड्राइंग वाले, वह निकल के बाहर आते हैं। विद्यार्थियों नूं वख-वख मौके प्रदान किए जाते हैं, विद्यार्थियों नूं आर्थिक समाजिक गतिविधियां बारे सुचेत किया जाता, उन्हां बारे उन्हां नूं प्रॉपर जानकारी मिलती है, तो विद्यार्थियों ते अध्यापकां दीआं क्रियावां दे विच जो वखरापन हुंदा उन्हां बारे पता चलता है, तो वख-वख गतिविधियां की जानकारी देने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल मैगजीन, महत्व की है, महत्व भी देखो जिहड़े आपां हुण कीते उस तरह ही इहदा महत्व है। महत्व की है, कंध पत्रिकावां विद्यार्थियों की मानसिकता नूं बाहर लैके आंदियां हैं, उन्होंने जो भाषा जिहड़ी लैंगुएज से उन्होंने ग्रिप है उन्होंने सुधारदे, उन्होंने लिखन कला का विकास करते हैं। विद्यार्थियों दे साहित्यिक कहानीकार जो निबंध लिखते उन्होंने कौशलों का विकास होंगे, फाइन आर्ट्स कौशलों का विद्यार्थियों के विकास करने हेल्प करते हैं। कंध पत्रिका किस किस सहायता करते, छोटे लेख, छोटे निबंध, छोटे कहानियां लिखने वाले विद्यार्थियों के खोज रिसर्च की भावनावान जोड़ा हैगा ये जगाते हैं, आलोचनात्मक चिंतन जगाते हैं, विद्यार्थी क्रिटिसिजम करना सीखते हैं। क्रिटिसिजम आप उदो करते हैं जो चीज़ों आप चंकी तरह समझ लें, किस तरह चीज़ों सीखना योजनाबंद करना, ये भी संगठित करते हैं। किते और कौशल ग्रहण समय में चंकी एक मतलब एक करियर की प्राप्ति हो सके बारे आपू जानकारी देते हैं। यह विद्यार्थियों दिया इंटरनल जिहड़ियां फीलिंग्स है उन्होंने बाहर कढ़न दे विच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे है। जो वेला समा हुंदा विद्यार्थी उन्होंने यूजफुल ढंग नाल वॉल मैगजीन्स भी मतलब क्रिएटिव दे विच क्रिएटिविटी दे विच लगा सकते हैं। इन्हां नाल विद्यार्थियों निरंतर अखबारां पत्रिकावां रसाले पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़न नाल उन्हां नूं की है अलग अलग उन्हां दे विच गुणां दा जिहड़ा हैगा वो विकास हुंदा है। ये विद्यार्थियों नूं एक विषय के उपर सुतंत्र भावना के विच लिखन लई हैल्प करदियां हन, विद्यार्थियों की राय के बारे पता लगता है। आम तौर पर विद्यार्थी कहते रट्टा लगा के जोड़े है वो नंबर प्राप्त करते हैं, लेकिन जो कंध पत्रिकावां होंगे उन्हें विद्यार्थी कोई भी क्रैमिंग नहीं करते, बल्कि चीज़ों को चंगी तरह सीखते हैं, उन्होंने भावनावान समझते हैं, फिर उन्होंने उत्ते अपनी जी है कमांड जी है मजबूत करते हैं। लास्ट ये टॉपिक हैगा कंध पत्रिका की तैयारी, प्रैपरेशन ऑफ वॉल मैक्स। जिहड़ियां कंध पत्रिकावां बेसिकली विद्यार्थियों वल्लों हत्थां नाल ही तैयार कीतियां जांदियां, हैंडमेड होंदियां, जिन्हां नूं नोटिस बोर्ड ते लगा दिंदे। सब तो पहला कंध पत्रिका बोर्ड, यह वो बोर्ड है जिथे कंध पत्रिका दे जिहड़े वॉल मैगजीन उन्हां नूं प्रकाशित किया जाता है, 4 फुट उच्चा ते 6 फुट चौड़ा होंदा। वरतों तो पहले ये देखना जरूरी है, मतलब जो तुसीं पोस्टर बनाने सब तो पहले ये देखो जिहड़ा बोर्ड है उहदे उत्ते तुहाडा पोस्टर चंगी तरह पेस्ट हो सकता है। सब तो पहला आपां नूं ये कार्रवाई करनी जरूरी है, उस अकॉर्डिंग ही विद्यार्थी अपनी शीट तैयार करते हैं। मतलब जे बोर्ड नूं नहीं देखणगे तां फिर शीट हो सकदा वड्डी छोटी रह जाए, इसलिए सब तो पहला बोर्ड नूं देखना जरूरी है शीट नूं तैयार करन तों पहला। फिर प्रैपरेशन ऑफ आर्टिकल, फिर विद्यार्थी ने जिस निबंध जिस टॉपिक के उत्ते लिखना है उसकी प्रैपरेशन करता है, वो देखता है उसनों किस तरह दिल खिचवा बना सकता है, आकर्षित बना सकता है, वो कि मतलब पात्र लै सकता है, कि वह पिक्चर्स इंसर्ट कर सकता है, वो जी भाषा है जी लैंगुएज है वो किस तरह की रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ा वो देखता है। तो होर की गुण हो सकते हैं, रचना में बहुत घट रलगटता होनी चाहिए है, भावपूर्ण जानकारी होनी चाहिए है, संभव हो सके कहानी बारे पूरी जानकारी मिले विद्यार्थी नूं जो भी उन्होंने पढ़ते हैं। रचना बहुत ही व्याख्या भरपूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जी पोस्टर दे होंगे वो बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं आप दे सकते, पोस्टर का साइज़ आपको पता छोटा होंगे, तो संखेप के ही आप जी जानकारी है संखेप के जरूरी इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे सकते। रचना डिजाइन करना, डिजाइनिंग ऑफ द आर्टिकल, डिजाइन करन समय चुनी हुई कागज़ की शीट जी वधिया कागज़ की वरतों करनी चाहिए है, लिखावट जी बहुत वधिया ढंग की होनी चाहिए है, माप जिहड़ा फोंट का साइज़ है वो एक तरह का ही होना चाहिए, जिहड़ा रचना का सरलेख है वो बोल्ड अक्षरों के लिखा होना चाहिए। ठीक है, लेखक कौन है ये भी नाल लिखा होना चाहिए। रंगा की वरतों करनी चाहिए है, क्योंकि जो आप कलरफुल चीज़ा लिखते हैं तो वो एक तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, इंट्रैक्टिव लगता है, तो लोग वो खिंच के उन्होंने पढ़ते हैं।
प्रदर्शनी बोर्ड उपर जेकर रचनावां दीआं शीटां दी मैट्रिक्स बनाई गई है तो फिर दो रूपरेखावां समांतर भाव लाइना ओरिजेंटल रीडिंग या फिर वर्टिकल रीडिंग है डिपेंड करता है तुसीं ओरिजेंटली उन्हों रिप्रजेंट कर रहे हो या फिर वर्टिकली उस अकॉर्डिंग आपदियाँ तुसीं उन्हां नूं तैयारी करनी है। हुण जिहड़ी अपनी रचना स्पष्ट होनी चाहिए 10 फुट की दूरी तो चंगी तरह पढ़ी जा सके मतलब इन मोटे मोटे अक्षर होने चाहिए 300 तो लैके 800 तक ये शब्दों की गिनती होनी चाहिए है सरलेख छोटा होना चाहिए ग्राफिक रंगदार फोटो की वरतों होनी चाहिए है तो रूपरेखा जी है साफ होनी चाहिए है इंट्रैक्टिव होनी चाहिए है रचना की प्रवानगी लेखक का नाम जोड़ा शामिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी। वॉल मैगजीन बेसिकली की है पोस्टर्स है जोड़े कि सिर्फ विद्यार्थियों संबंध रखते अध्यापकों की कोई भी भूमिका नहीं होंगी जबकि जोड़िया साधारण मैगजीन है स्कूल मैगजीन है वो विद्यार्थी एज वैल एज अध्यापक दोनों ही हिस्सेदार होंगे। आई होप तो टॉपिक चंगी तरह समझ आ गया होगा टॉपिक समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिए वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।